अभी कुछ दिन पहले मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्टिंग डाली, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने डाल दिया। 15-20 पोजीशंस अभी भी ओपन होंगी, शायद कुछ क्लोज हो गई हो। तो एचआर ने बोला कि विनीत कुछ रेफरल हैं तुम्हारे पास? मैंने बोला अच्छा मैं एक पोस्ट डालता हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 1,500-2,000 एप्लीकेशन आएंगी, 90% फ्रेशर्स की थी, बट क्योंकि जॉब में 3-4 साल मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा तो रिजेक्ट कर दी मैंने बाकी सब। पर एक चीज मेरे को कॉमन देखने में मिली, हर कोई जेएस डेवलपर बना हुआ है। तो कुछ दिनों बाद अब एचआर ने बोला कि ठीक है ये प्रोफाइल तो सही है, जो भी 15-20 मेरे को ठीक लगे उसमें से, 1,500-2,000 के पूल में से 15-20 वो मैंने भेजे, उनको कॉल भी आई होगी, जिन्हें कॉल आई होगी बता देना, सिनेक्रॉन से कॉल आई होगी। अब उसके बाद एचआर ने बोला क्यूए का भी दे दो कुछ। मैं बोला अच्छा मैं क्यूए भी डालता हूं। क्यूए का एक रेज्यूमे आया, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑटोमेशन में और कंपनी इज रेडी टू पे 18 से 20 लाख, शायद और भी दे दे, वो पैसे दे देगी ये कंपनी। वहां पे कोई नहीं आ रहा। मैं अभी कहूं रिएक्ट जेएस 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 4 साल, 5 साल, अभी 500 लोग फिर आ जाएंगे इस एक्सपीरियंस पे। तो भाई ये ऐसा सौतेला व्यवहार बाकी टेक्नोलॉजी के साथ क्यों कर रहे हो? चले जाओ ना भाई, क्यूए बन जाओ, वो भी उतना ही जरूरी काम है और उतना ही कॉम्प्लेक्स है, छोटे नहीं बनोगे। पर मेरे को तो लग रहा था पता भी नहीं होगा ये क्यूए करता क्या है, होता भी है या नहीं, ये तो एजुकेशन सिस्टम में ही मेरे को फ्लॉ लग रहा। हमारे टाइम पे तो वो थे टीचर, गधे ही थे वो टीचर यार, साफ साफ सुनो, मुझे लग रहा आज भी गधे ही हैं ये टीचर कॉलेज में, जो ये बैठे इंजीनियरिंग कॉलेज में, नालायक थे हमारे समय में। और आज तो काफी ज्यादा है ये ऑनलाइन एक्सेस है, तो इंटरनेट एक्सेस है, प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं, यूडेमी है, यूट्यूब है, और भी बहुत सारे हैं, अनअकैडमी है, तो इनसे आप पढ़ा लेते हो। और कुछ एक दो ये चैनल खुले हुए हैं ये भैया दीदी के, ये आके अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा उसकी तैयारी करा रहे हैं। काम कैसे होगा क्योंकि इन्होंने खुद नहीं करा आज तक काम, इंटरव्यू क्रैक करवा लो इनसे बस, उसके बाद इन्हें भी नहीं पता करना क्या है, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ साल देने पड़ते हैं, उतना पेशेंस है नहीं, सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, पैशन फॉलो कर रहे हैं सब, और इस पैशन के चक्कर में उन बच्चों की लग गई जिन्होंने इन्हें फॉलो कर लिया। डेवऑप्स का कोई नाम नहीं लेने को तैयार हो रहा। अरे कुछ सर्टिफिकेशन कर लो ना, ये बकवास कंपनियों से तुम, वो एजुकेशन के नाम पे कुछ कंपनीज खोली हुई हैं जो कहती हैं कि हम पढ़ाएंगे भी और काम भी करवा लेंगे, वो वाली कंपनीज में जाते हो, पैसे भी खर्च करते हो। अरे 15-20 हजार, 50 हजार के सर्टिफिकेशंस कर लो यार, 15 लाख रुपए तुमने अपनी बीटेक पे लगा दिए, तो किसी ने अमेठी अमेठी से करी हो तो उसकी तो और ज्यादा 20-25 लाख में हुई होगी बीटेक भी, बदले में मिला क्या? तुम अनएम्प्लॉयड हो, अनस्किल्ड हो, तुम्हें कोई नहीं लेगा, उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस दे दो, उनकी ज्यादा वैल्यू है। प्रोसेस में ले लो, स्क्रम मास्टर बन जाओ, उसके बाद आप ये डेवलपमेंट करो। स्क्रम मास्टर जरूरी नहीं है, आप वो प्रॉपर रोल पकड़ो, बट कम से कम एक टीम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई ये स्क्रम मास्टर का रोल भी फुलफिल कर लेगा, अपने डेवलपमेंट भी करता रहेगा। टेस्टर्स का देख लो, डेवऑप्स का देख लो, 50 आयाम है, 50 ब्रांचेज हैं इसकी, पर आपको एक ही काम करना है रिएक्ट जेएस, क्योंकि उसकी पोजीशंस बहुत हैं, और तो भाई उसमें लोग भी बहुत हैं। अब मुझे पता है वो एक्चुअल डेवलपमेंट कौन कर रहा है, वो मैं फॉर्चुनेट रहा, मेरे को मिले काम करने को मिले, और मैं कई जगह जीरो स्प्रिंट से मैं इस चीज का हिस्सा रहा, पर नहीं है वरना, अदरवाइज आप किसी के कोड पे ब्रश चला रहे हो, पेंट कर रहे हो दोबारा से। 500 लोग
आए थे इसके लिए, वो पहले दूसरे तीसरे घंटे में ही आ गए थे रिएक्ट जेएस पे। क्यूए पे एक रेज्यूमे आया, वो ही भेजा मैंने अभी तक, सिर्फ एक रेज्यूमे क्यूए पे। वो पैसे ज्यादा दे रहा है, रिएक्ट पे नहीं मिलेंगे इतने पैसे, क्यूए पे ज्यादा है। पर नहीं, सबको डेवलपर बनना है, किसी को गिटहब नहीं पता करना, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं देना, सबको बनना डेवलपर है। एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, वो कभी दोबारा काम नहीं आती। लोग उसके डिफरेंट फंडे देते हैं, ब्रेन ट्रेंड कर लेते हो तुम अपना और फिर ऐसा आएगा तो वैसा होगा, ऐसा कहीं नहीं होता। यूआई में आपको जरूरत नहीं है इतने हार्ड और मतलब कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम क्रैक करने की। अगर आप नॉर्मल डेवलपर भी हो, आपको नहीं आता, आपको बस चीजें सिंपल तरीके से कर लोगे ना, यू आर गुड, यू आर फिट फॉर जॉब। तुम्हें वो एन लॉग एन और कॉम्प्लेक्सिटी वो सब, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया है, काम खत्म है। डिजाइन पैटर्न्स पढ़ लो। सिस्टम है उसकी, सिस्टम आर्किटेक्ट की पोजीशन मैं डाली थी, 15-20 लाइक तो आए, एक भी रेज्यूमे नहीं आया। कोई सिस्टम डिजाइन नहीं पढ़ने को तैयार हो रहा, उसमें ज्यादा पैसे हैं, उसमें ज्यादा स्कोप है, पर बनना सबको रिएक्ट डेवलपर है, और उसमें भी जावास्क्रिप्ट नहीं आती, रिएक्ट डेवलपर विदाउट जावास्क्रिप्ट। अगर यही रवैया रहा तो अगले 6 महीने और कुछ नहीं मिलने वाला, 6 महीने के बाद मई जून में शायद ओपनिंग खुलेगी तो ही कुछ भला होगा, अन्यथा आप अभी भी बेरोजगारी रहोगे अगर ये आपने अपना पैटर्न चेंज नहीं करा। और फेक तो कोई लेके आना मत अपने प्रोफाइल्स, 2 मिनट लगते हैं वो सारा चेक हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेस दे रही है आपकी उन आईडीज की, यूएएन की, जो आप वो नंबर देते हो ना, आपको पूरे का पूरा कच्चा चिट्ठा निकल आ जाता है कि कब कब किस किस कंपनी ने कितना पीएफ कंट्रीब्यूट करा है।